देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार पीएफआई पे के जो हरकत की है, पीएफआई लीडर्स को अरेस्ट की है ईडी के जरिए और एनआईए के जरिए, ये दरअसल ये नाकामियों को छुपाने के लिए है। मोदी सरकार अपने जो नीतियां हैं उसको छुपाने के लिए ये हरकत कर रही है। उनको अगर अरेस्ट करना है, अगर उनको अरेस्ट करना था तो उन गुजरात के जो रेपिस्ट हैं उनको रिहा करें ना, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। मोदी सरकार जो देश लूट के भागे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो संविधान के तहत चलती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं, आज सरकार है ना अपने मुद्दों को छुपाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर रही है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ला के पूरे जितने भी मुजरिमीन हैं, चाहे वो पीएफआई के हो या खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, इन लोगों को रिहा करना चाहिए। बेशर्मी की बात है, रेपिस्ट को रिहा करती है मोदी सरकार। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के जरिए सबको रिहा करें, और अनकंडीशनली जो पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स और दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको अनकंडीशनली रिहा करें, और ताकि अमन कायम रहे हिंदुस्तान में। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो सरकार मुंह के बल गिरेगी। क्योंकि जनता जानती है ये किस नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सभी जो लीडर्स हैं उनको रिहा करें। अल्लाह वो बरकत हो। 22 तारीख को रात के अंधेरे में गुलबर्गा शहर से शेख एजाज अली, जो पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको हिरासत में लिया गया। उसके दूसरे दिन शाहिद नज़ीर, जो स्टेट मेंबर हैं पीएफआई के, उनको हिरासत में लिया गया एनआईए की जानिब से। और जो 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर मेंबर्स भी हैं, वो लोगों को इस बिना पर हिरासत में लिया गया है कि वो लोग दहशतगर्दी के कैंप्स चला रहे हैं। ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम कि नौजवानों को वो जो है उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, नौजवानों को इस किस्म की तरबियत दे रहे हैं कि वो लोग आइसिस और लश्कर तैयबा में जाकर शामिल हो जाएं। इस तरीके के बेबुनियाद बातें मुसलसल तौर पर जब से उनको हिरासत में लिया गया है गश्त कर रही है। मीडिया पहले से ही उनके ख़िलाफ़ में ये तय कर चुका है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग इसी वजह से ये तंजीम को बैन कर देना चाहिए, ये तय कर चुका है। ये जहन ख़राब करना और लोगों के जहनों को नफ़रत उनके दिलों में उनके दिलो दिमाग में डालना, ये काम कोई तंजीम से ज़्यादा आज की तारीख में मीडिया कर रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज यहाँ पर आकर डीसी के ज़रिए ये मेमोरेंडम दिए हैं कि पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्कज़ीर सतह पर कोविड के मुश्किल हालात में, जिस वक्त ये हुकूमत लोगों को परेशान कर रही थी, ये हुकूमत लोगों को खाने खाने का मोहताज कर चुकी थी, ये हुकूमत लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए पाबंदी लगाई हुई थी, लोगों के फाखे हो रहे थे, वैसे सूरत हाल में जब लोग मौत और ज़िंदगी के बीच में मझधार में लटके हुए थे, वैसे हालात में ये तंजीम काम की है। और यही वजह है, हमें लगता है कि यही वजह है, क्योंकि ये तंजीम बहुत अच्छे पैमाने पर इंसानियत का काम कर रही थी और दीगर तंजीमें सिवाय नफ़रत फैलाने के कोई और काम नहीं कर रही थी। जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, जो उस वक्त खामोश अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, ये लोग काम कर रहे थे। इनकी इनकी जो कारकर्दगी है उसको ये लोगों के सराहने की बजाय उनके ख़िलाफ़ में केसेस दर्ज करना और एनआईए से उनको हिरासत में लेना और कोशिश ये होना कि ये तंजीमी बंद हो जाए, उनके ऊपर बैन लग जाए, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी इस हरकत को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त समझती है और तमाम तर इंसानियत के ख़िलाफ़